सिडनी पेंच टाइगर रिजर्व में घायल हुई एक बाघिन की जान बचा ली गई है। यह बाघिन 28 फरवरी के दिन टाइगर रिजर्व एरिया के करमाजर रेंज में घायल हालत में मिली थी। बाघिन इतनी घायल थी कि वह चल भी नहीं पा रही थी, जिसकी जानकारी लगते ही पेंच टाइगर रिजर्व के वन्य प्राणी चिकित्सक अखिलेश मिश्र ने समय रहते हाथियों की मदद से घेरकर डाटी द्वारा बाघिन का सफल इलाज कर उसकी जान बचाई। समय पर इलाज मिलने के बाद से ही बाघिन के स्वास्थ्य पर असर दिखना शुरू हो गया और वह दो दिन के अंदर स्वस्थ होना शुरू हो गई। घायल बाघिन के दो शावक है। बाघिन के घायल होने के बाद शावकों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा था। इलाज उपरांत बाघिन के रहवास क्षेत्र के आसपास ट्रैप कैमरा लगाकर निगरानी की गई, जिसे कैमरा ट्रैप के माध्यम से देखा गया, जो अब शावकों के साथ स्वस्थ रूप में देखी जा रही है। वही बाघिन के स्वस्थ होने के बाद उसके शावकों को भी नया जीवन मिल गया है। सिवनी से संजीव क्रिडिया की रिपोर्ट।